कंगना रनौत का फूटा गुस्सा। सुशांत और आमिर खान पर किए ट्वीट को लेकर कंगना ने किया एक रिपोर्टर को स्लैम। आमिर खान से पूछा माफिया से जुड़ा सवाल। आखिर क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। कंगना रनौत ने हाल ही में कहा था कि मुंबई अब पीओके जैसा बन गया है और इस स्टेटमेंट ने तहलका मचा दिया है। सब कंगना को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे बोल सकती है। इनफैक्ट बॉलीवुड स्टार्स भी एकजुट होकर कंगना के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड की इस क्वीन ने किया एक रिपोर्टर को स्लैम, जिन्होंने ये कहा कि अगर ये पीओके वाली बात अगर आमिर खान या किरण राव ने कही होती तो वो इससे ज्यादा मुसीबत में होते और कंगना को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। कंगना ने उस रिपोर्टर की क्लास लगा दी। दरअसल उस रिपोर्टर ने लिखा था, कल्पना कीजिए कि आमिर खान या किरण राव ने फडणवीस के सीएम कार्यकाल के दौरान मुंबई की तुलना पीओके से की होती, नाराजगी की कल्पना करें। ट्विटर पर बहिष्कार ट्रेंड, गाली, टीवी पर बहस, धमकी, एफआईआर भी की जाती उन पर, जरा कल्पना करें। वेल, इस ट्वीट के बाद कंगना ने दिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब। कंगना ने पलटवार करते हुए लिखा, रोहिणी कृपया मुझे बताए कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में कोई मर्डर हुआ था जब आमिर या किरण जी ने असहिष्णुता के बारे में बात की थी? क्या उन्होंने किसी ड्रग या माफिया रैकेट का खुलासा किया? क्या भाजपा के किसी नेता ने उन्हें उस समय भारत छोड़ने के लिए कहा था? फिर ऐसी तुलना क्यों की जा रही है? बात यही रुकी नहीं, रिपोर्टर ने सुशांत को लेकर भी किया ट्वीट। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एक उज्ज्वल और प्रतिभाशाली स्टार की दुखद मौत की कहानी केवल उसके और उसके बारे में होनी चाहिए थी, ना कि कंगना या करण के बारे में। दूसरी बात जो मुझे विफल करती है वो ये है कि शिवाजी की भूमि, भारत का गौरव कहे जाने वाले मुंबई शहर की तुलना कैसे दुश्मन देश के कब्जे वाले क्षेत्र से की जा सकती है? इसके रिप्लाई में भी क्वीन कंगना रनौत ने दिया जवाब। उन्होंने लिखा, सुशांत की मृत्यु केस उसके बारे में होती अगर मूवी माफिया ने पहले ही उनकी खुद की हत्या की भविष्यवाणी नहीं की होती। आप मुझे ये भी बताए कि मुंबई पुलिस कुछ महीनों में इतनी कैसे बदल गई कि सीपी मुंबई पुलिस एक ट्रोल बन गई। मुझे धमकी देने वाले राजनेताओं से मुझे बचाने के बगैर और मेरी सुरक्षा करने के बजाय वो ट्रोल कर रहे हैं। #मुंबई #shameonsanjayraut। बात यहाँ से रिया चक्रवर्ती तक पहुँच गई। कंगना के ट्रोल वाली बात को लेकर उस रिपोर्टर ने रिया को कंपेयर किया। रिया के हालत के बारे में बताते हुए उस रिपोर्टर ने कंगना को समझाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, कंगना आपका शब्द ट्रोल मेरे दिमाग में रह गया और अब हाईलाइट भी हो रहा है। उस लड़की की स्थिति की कल्पना करें जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रोल किया जा रहा है। रिया को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली और समाज ने उसे दोषी ठहराया। एक महिला होने के नाते उस औरत के लिए और उनके साथ खड़े होते हैं जिसे सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा ट्रोल्स की वजह से। वेल, बता दे कि रिया वाले टॉपिक पर अभी तक कंगना रनौत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब रिया के मामले में कंगना का रिप्लाई कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कंगना रनौत और इस रिपोर्टर के बीच हुए इस वॉर ऑफ वर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।